हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 20, भक्ति व सूफी आंदोलन। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर है, भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भज शब्द से हुई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भक्ति धारा की लोकप्रियता दक्षिण भारत में किस सदी के बीच देखने को मिली? भक्ति धारा की लोकप्रियता दक्षिण भारत में किस सदी के बीच देखने को मिली? इसका राइट आंसर है, 8वीं से 9वीं सदी में। कब मिली? 8वीं से 9वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुमक्कड़ी साधुओं में शिव भक्त को किस नाम से जाना जाता था? घुमक्कड़ी साधुओं में शिव भक्त को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है, घुमक्कड़ी साधुओं में शिव भक्तों को नयनार नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुमक्कड़ों में विष्णु भक्त को किस नाम से जाना जाता था? घुमक्कड़ों में जो शिव भक्त के थे उनको हम नैनार के नाम से जानते थे। अब हमसे पूछा गया है कि घुमक्कड़ों में विष्णु भक्त को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है, अलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्पार, सुबंदर, सुंदरार, मणिकावसार मुख्यतः कौन से संत हैं? अप्पार, सुबंदर, सुंदरार, मणिकावसागर मुख्यतः कौन से संत हैं? इसका राइट आंसर है, नैनार संत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरियर अलवार की बेटी अंडाल, नम्मालवार, तोंडर डिप्पोडी अलवार ये कौन से संत हैं? ये अलवार संत हैं या नैनार संत हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है, ये अलवार संत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संत भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में उत्तर व दक्षिण के बीच एक कड़ी तथा सेतु के समान थे? ऐसे कौन से संत हुए जो भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में उत्तर व दक्षिण के बीच एक कड़ी तथा सेतु के समान थे? इसका राइट आंसर है, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संत ने एकेश्वरवाद पर जोर देकर राम की भक्ति पर बल दिया? कौन से संत ने एकेश्वरवाद पर जोर देकर राम की भक्ति पर बल दिया? इसका राइट आंसर है, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैदास, पीर, धन्ना तथा पीपा आदि किसके शिष्य थे? रैदास, पीर, धन्ना तथा पीपा आदि किसके शिष्य थे? इसका राइट आंसर है, रामानंद के। रामानंद जो भक्ति आंदोलन को उत्तर व दक्षिण के बीच एक कड़ी तथा सेतु के समान थे और दक्षिण से वो उत्तर की तरफ लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानंद ने किस भाषा का प्रयोग किया? रामानंद ने किस भाषा का प्रयोग किया? इसका राइट आंसर है, रामानंद ने संस्कृत के स्थान पर आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्त संतों में दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? भक्त संतों में दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है, अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिरुकुवाई की रचना किसने की? थिरुकुवाई की रचना किसने की?
इसका राइट आंसर है अंडाल ने थिरुकुवाई की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाल का जन्म कौन सी सदी में हुआ था? अंडाल का जन्म कौन सी सदी में हुआ था? इसका राइट आंसर है अंडाल का जन्म 8वीं सदी में हुआ था और इन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति परंपरा के अधीन दक्षिण में कौन सी सदी में रामानुज ने विष्णु की पूजा पर जोर दिया? भक्ति परंपरा के अधीन दक्षिण में कौन सी सदी में रामानुज ने विष्णु की पूजा पर जोर दिया? तो इसका राइट आंसर है 11वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के उपदेश किस रूप में मिलते हैं? कबीर के उपदेश किस रूप में मिलते हैं? इसका राइट आंसर है कबीर के उपदेश साखी और पदों के रूप में मिलते हैं और कबीर के भजनों को गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के भजनों को किसमें संग्रहित किया गया? इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया था। इसका राइट आंसर है कबीर के भजनों को गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर का पालन पोषण किस परिवार में हुआ? इसका आंसर है संत कबीर का पालन पोषण बनारस में एक जुलाहे परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवंडी को किस नाम से जाना जाता है व यह कहाँ स्थित है? तलवंडी को किस नाम से जाना जाता है व यह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है तलवंडी को अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख पंथ के संस्थापक कौन थे? सिख पंथ के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। कौन थे सिख पंथ के संस्थापक? गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण उपासना के समर्थक कौन थे? निर्गुण उपासना के समर्थक कौन थे? इसका राइट आंसर है गुरु नानक देव जी निर्गुण उपासना के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के समकालीन कौन से संत थे? कबीर के समकालीन कौन से संत थे? इसका राइट आंसर है रैदास। रैदास कबीर के समकालीन संत थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 22 क्वेश्चन करेंगे और इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, पर कुछ जरूर कीजिए। थैंक यू।